तो राजधानी देहरादून समेत पूरे उत्तराखंड में और पूरे देश भर में आपने दुनिया भर के टी स्टॉल देखे होंगे। इनकी अपनी अलग ही पहचान होती है और चाय का स्वाद भी लोगों की जुबान पर अलग ही जमा हुआ होता है। लेकिन राजधानी देहरादून में प्रदेश उत्तराखंड का पहला ऐसा टी स्टॉल खुला है जिसको एक ट्रांसजेंडर चला रहा है। मेरे पीछे इस टी स्टॉल पर जरा गौर कीजिए, UK07 ट्रांस टी स्टॉल, इसका नाम ही इसी तरीके से रखा है। इसके जो ऑर्गेनाइजर हैं वो रेक्सा हैं, रेक्सा इसको चला रहे हैं, रेक्सा अग्निहोत्री, और चाय का कप ऑफ टी मेक एवरीथिंग बेटर, यानी कि ये एक कप चाय आपको आपका स्वाद बदल सकती है और आपकी सोच भी बदल सकती है। मेरे साथ में रक्षा यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका इस टी स्टॉल को खोलने के पीछे क्या मकसद है। सीधी बातचीत करते हैं। रक्षा, स्वागत है लोकल 18 में। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगी, आज रोजगार शुरू किया है आपने अपना? जी नमस्कार, मेरा नाम रेक्सा है और मैं कुमाऊं डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर से हूं, और मेन मेरा मकसद ये है चाय का स्टॉल खोलने का, समाज में एक अवेयरनेस ट्रांसजेंडर, और क्योंकि समाज में ये लगता है कि ट्रांसजेंडर लोग कोई मतलब ताली के बजाने के अलावा मतलब और कुछ काम नहीं कर सकते हैं, और मेरा बेसिकली यही है। सरकार से भी निवेदन ये है कि प्लीज़ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हमारी जितनी भी है सभी को सपोर्ट करें और ऐसे ही आउटलेट खोलें, और मैं चाहती हूँ देहरादून में सारे लोग ऐसे ही एक छोटे बिजनेस से स्टार्ट करें ताकि लोगों की सोच मेंटलिटी एक आगे बढ़े और साथ साथ में हमें सपोर्ट करें, क्योंकि सरकार हम जैसे कम्युनिटी के लिए कोई क्या बोलते हैं जॉब्स नहीं निकालती है, क्योंकि मैं इसके थ्रू यही संदेश बताना चाहती हूँ कि सरकार हमारे लिए जॉब नहीं निकाले बट लेकिन हमें एक छोटी सी जगह दे दीजिए जहाँ से हम लोग एक अपना स्टार्टअप करें। नमस्कार, मेरा नाम काम करके जैसे चाय का बिजनेस करके और एक जैसे मेहंदी पार्लर वगैरह है या कुछ ऐसे वो निकाले जॉब वैकेंसी, जैसे ब्यूटिशियन का कोर्स होते हैं हमारे पास, जैसे लैब टेक्नीशियन हो गया है, और कोई जैसे कोई डांस वगैरह भी करते हैं जैसे उनको परफॉर्मेंस, जैसे उत्तराखंड में बहुत देखा गया है कि क्या बोलते हैं डांस प्रोग्राम बहुत मेन रखा गया है, हर कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, यदि कोई सेलिब्रिटीज आते हैं या फिर कहीं मेला लगता है तो उसमें हमें इस चीज़ों के लिए हमें आगे वो करें, सरकार से ये रिक्वेस्ट है मेरी। बिल्कुल रक्षा, आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये काम को शुरू किया क्या सोच रहे थे आप अपने मन में? बस मैं यही सोच रही थी कि मैं अपनी कम्युनिटी को आगे देखना चाहती हूँ, और मेन मेरा मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े और ऐसी एक अच्छी स्टार्टिंग करे, क्योंकि लगता है कि समाज में कि ये लोग ताली बजाने के अलावा और भी कुछ काम नहीं कर सकते, तो मेरा मेन मकसद यही है क्योंकि हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े, दैट्स इट, और सरकार भी हमें सपोर्ट करे पूरी। ठीक है, इससे पहले की बात की जाए तो आपने इससे पहले भी क्या कुछ काम किया है? हाँ जी, मैंने जॉब की है, हॉस्पिटल लाइन में भी जॉब किया है मैंने मैकडोनल्ड्स में भी जॉब किया है, मतलब एक मेरी जो लाइफ है बचपन से स्ट्रगल रहा है, बचपन से ये जब मैं छोटी थी, उसके बाद जब मैं थोड़ी सी स्टार्टिंग से बड़ी हुई तो मेरी जो हैबिट्स थी एज अ गर्ल थी, लड़कियों जैसी थी, अब मैं कॉलेज में जाती थी, स्कूल्स में मैंने पढ़ा है तो मुझे बोलते थे क्या है लड़का है कि लड़की है, तो मैंने बहुत फेस करने को मतलब बहुत वो मिला मुझे, और फिर धीरे धीरे जैसे मैं बड़ी होती गई उसके बाद फिर मैं कॉलेज में आई, कॉलेज में आने के बाद फिर भी मैंने बातों जो टॉयलेट मतलब बहुत सी बातों को टॉयलेट करने के बाद भी मैं आगे बढ़ी, मैंने BSc कंप्लीट किया है वैसे बायो से हूँ, और बट मुझे कोई जॉब प्रोवाइड नहीं मिली क्योंकि मैं एक ट्रांस हूँ, क्योंकि मुझे एक गलत नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये बस एक पेड सेक्स मतलब सेक्स ही कर सकती है, फिजिकल रहती है, तो मतलब यही मेंटेलिटी है कि लोगों की सोच भी हम चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि ये लोग बस इसी के लिए बने हुए हैं, तो मेन मकसद मेरा ये भी है कि समाज से कि प्लीज़ आप लोग हमें गंदी नज़रों से ना देखा जाए, हमें एक अच्छी नज़रों से देखा जाए, समाज में हम भी एक हिस्सा हैं, आप जैसे एक ह्यूमन बीइंग हैं, और तो प्लीज़ हम लोगों को अच्छे नज़रों से देखिए और एक बार आप हमें रिस्पेक्ट दीजिए, एंड गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। बिल्कुल, बहुत सही कहा रक्षा आपने कि समाज के उन कुंठित लोगों की मानसिकता को बदलना है इस चाय की दुकान के माध्यम से, जो सोचते हैं कि एक ट्रांसजेंडर सिर्फ जो है मांगने खाने तक ही सीमित रहते हैं लेकिन अपना रोजगार भी कर सकते हैं,
जॉब भी कर सकते हैं और इनके अंदर वो क्षमता भी है कि अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। इस स्टॉल की बात की जाए तो क्या कहीं से कोई सहायता आपको प्राप्त हुई है? नहीं सर, मेरी कोई सहायता नहीं हुई है, मैंने खुद सेल्फ डिपेंड किया है मेहनत करके, और मैं साथ में एनजीओ में जॉब करती हूँ ताकि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ साथ साथ में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी कम्युनिटी आगे बढ़े। भले ही मेरी सैलरी बहुत एनजीओ में बहुत कम है, ना के बराबर, बट लेकिन मैं एक मेहनत करती हूँ और मैं मेहनत करके ही पैसा कमाना चाहती हूँ। और बाकी रहा स्टॉल, ये मैंने सेल्फ डिपेंड किया है, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के मैंने ये सब कुछ अपना स्टॉल स्टार्ट किया है, और बस यही कहना चाहती हूँ सरकार से, प्लीज़ हम लोग, आप हमारा सपोर्ट करिए, और सभी जनता वासियों से भी यही चाहती हूँ कि सब लोग सपोर्ट करें हमारा। और दैट्स ऑल क्वेश्चन। बिल्कुल रेक्सा, हमारा भी पूरा समर्थन आपको है। और आप राजधानी देहरादून के राजपुर रोड पर दिलाराम चौक से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये रेक्सा का टी स्टॉल, एक अनोखा टी स्टॉल यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आ सकते हैं, चाय का स्वाद ले सकते हैं और अपनी सोच भी बदल सकते हैं। इसी के साथ मैगी आप यहाँ पर खा सकते हैं और कुछ बिस्किट्स और बंद मक्खन वगैरह भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए लोकल 18 के साथ। राजधानी देहरादून से मैं अरशद खान।